हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली। सो आज है दिवाली और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, हमने आज बनाई है गोभी आलू की सब्ज़ी एंड खीर और पूड़ी। आज मेन्यू में हमने यही बनाया है, तो बस आज का दिन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अभी बना दो के रेडी और अभी जा रही हूँ मैं अपनी देवताओं की पूजा करने। तो चलिए चलते हैं और आपके दिखाती हूँ। बस नहा धो के अपनी खाना पीना भी बन चुका है और पूजा पाठ में लगे हुए हैं दिवाली की, तो बस देवताओं की पूजा के लिए जा रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ, चलिए। सो यहाँ पर हैं ये हमारे देवता हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों की समाधि बनी हुई है, तो यहीं पे मैं बस उन्हीं को नहलाने के लिए आई थी। ये देखिए बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती, बच्चे भी गए थे मेरे साथ में पूजा करने के लिए। ये हमारे देवता जो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर हैं, तो बस वही मैं पूजा के लिए गई थी वहाँ। तो फ्रेंड्स, खाना पीना मेरा हो गया है, मेरा पूजा पाठ भी हो गया। पूजा करने के बाद मैंने खाना खा लिया है और अभी थोड़ा काम बचा है घर का, वो काम करने जा रही हूँ मैं, बर्तन वगैरह साफ। और दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी करूँगी मैं घर के सारे काम, फ्री होके रंगोली भी बनाऊंगी, जो कि आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसी रंगोली बनाई। मुझे रंगोली बनाना बेहद पसंद है, बहुत अच्छा लगता है रंगोली बनाना, मैं हर दिवाली पे बनाती हूँ। तो आज भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसी रंगोली बनाई। बस वही घर के सारे काम फिनिश कर लूँ और बच्चे खेल रहे हैं अभी, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं दिवाली की, तो बच्चे भी काफ़ी परेशान कर रहे हैं, कहाँ फ्री होने देते हैं बच्चे, साफ़ सफाई में ही लगे रहूँ बस। और ये साड़ी पहनी है मैंने, बताना कैसी लग रही है दिवाली पे। दिवाली त्योहारों पे तो थोड़ा अच्छे से तैयार व्यार होगी तो अच्छा लगता है ना, ये मेरी साड़ी। और यहाँ कर लिया हमने रंगोली की तैयारी, तो बस मैं रंगोली बनाने के लिए जा रही हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको अपनी रंगोली का एकदम फाइनल लुक। तो अभी होगी मैं काम से फ्री और अभी बनाने जा रही हूँ रंगोली। दोपहर का हो रहा है टाइम, बच्चे बच्चे सारे सो चुके हैं, सोचा चलो रंगोली बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे तो बनाने नहीं देते, तो चलो रंगोली बना दें, फिर दिखाती हूँ आपको रंगोली बना के। और ये है मेरी रंगोली का फाइनल लुक, कितनी प्यारी लग रही है। और ये रंगोली मैंने अपने मेन गेट पे बनाई थी एंट्रेंस पे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। सो यहाँ मेरी रंगोली थी कंप्लीट। सो रंगोली बनाने के बाद मेरा दूसरा काम स्टार्ट हो गया, फूल और अशोक के पत्ते और आम के पत्तों का बंधनवार बना रही थी मैं, जो कि गेट पर लगाते हैं हमारे यहाँ, तो बस उन्हीं में लगी हुई थी रंगोली बनाने के बाद। फिर मैं इसमें जुट गई, बस वही बनाने लग रही हूँ। और मेरा बेटा कर रहा था मस्ती, तो मैं उसके थोड़ी खेल ही रही थी, वो मेरे सामने ही बैठा था बिल्कुल। सो ये है मेरी दूसरी रंगोली, एक तो नीचे मेन गेट पे बनाई थी, एक हमने ऊपर वाले फ्लोर पे बनाई थी। तो ये रंगोली बनाई है मेरी बड़ी वाली दीदी ने, जो कि मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने बनाई है ये रंगोली। ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर। और फूल वगैरह बंधनवार बनाने के बाद मैं आ गई थी मेन गेट पे बाहर की तरफ, वो लगाने के लिए मैं और मेरी ननद जो हैं, वो वीडियो बना रही थी। अब मैं ऐसे लगा रही थी, ये हमने मेन गेट पे लगाया है,
बहुत ही प्यारा लग रहा था। हेलो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है शाम और मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी। अभी काम धाम से छुट्टी हो गई, मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया। पहले मैंने पहन रखी थी साड़ी और अब पहना मैंने गाउन। तो बस मेरा मन हुआ कि चलो साड़ी से आज मैं पूरा दिन परेशान होंगी, तो साड़ी को उतार के मैंने गाउन पहन लिया है। आइए, ये है मेरा गाउन। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। अभी हम दीपक जलाने जाएंगे छत पे, कैंडल वगैरह भी लगाएंगे। और 7:30 बजे करेंगे हम लक्ष्मी पूजन, क्योंकि उसी टाइम का मुहूर्त है। और बस वही सारे काम कर रहे हैं छोटे मोटे, सोचा चलो थोड़ा आपसे बात कर लेती हूँ। और ये देखो मेरा बेटा, देखो हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली जोर से। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। क्या कर रहे हो? चूड़ियों में क्या कर रहे हो तुम? उतरो नीचे, जल्दी उतरो। चलो पटाखे चलाएंगे, पटाखे। हाँ चलो पटाखे चलाएंगे। सो ये है मेरा आज का फाइनल लुक, देखिए कैसा लग रहा है, बताना जरूर। यहाँ पे मम्मी जी कर रही हैं दीपकों को तैयार जलाने के लिए, क्योंकि मंदिर भी जा रही थी दीदी, तो उनके लिए दीपक तैयार कर रही हैं मम्मी। तो बस वही मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। देखिए बच्चों के घर में होता है ऐसा, रंगोली बनाने के 5 मिनट बाद ही बच्चों ने सारी रंगोलियां ख़राब कर दी। मेहनत लगी इतनी मेरी और मेरी बहन की, दोनों की, हम दोनों ने इतने प्यार से मन से बनाई, लेकिन बच्चों के घर में बनाना बेकार ही है। लेकिन क्या करें, मन ही नहीं मानता, तो सोचा हमने चलो बना ही देते हैं, त्यौहार साल में एक बार आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ कर रहे हैं, और यहाँ हमने अपने लक्ष्मी गणेश जी दोनों विराजमान कर दिए हैं। हमने अपने मंदिर को अच्छे से सजा लिया है और यहाँ होती है हमारी पूजा स्टार्ट। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देख के, इतने सुंदर लग रहे थे हमारे भगवान जी, बहुत ही प्यारे। तो बस हमारी पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब हम पूजा करने जा रहे हैं। तो बस सभी लोग इकट्ठे होकर एक साथ ही पूजा करते हैं हमारे यहाँ। तो बस वही पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं, तो बस देखिए आप और कीजिए इंजॉय। कर रही हूँ मैं पूजा, मैं और मेरे बदीदेव और हमारे बच्चे। तो बस हम पूजा ही कर रहे थे यहाँ पे, और देखिए बच्चे कितने शैतानी करते कि पूजा करने भी नहीं देते। तो इसी तरह आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए पूजा, और लक्ष्मी माता हर साल हर सभी के घर में, आप सभी के घर में खुशियाँ लाएँ। हर साल ऐसे ही अच्छे से दिवाली आती रहे, खुशियाँ लाती रहे, बस यही कामना करती हूँ मैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। सो फ्रेंड्स बस देखिए मेरा बेटा कैसे कर रहा है पूजा कितनी जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट।